मैं सबसे पहले अपने जामिया की तरफ से आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर मुबारक पेश करता हूँ उन तलबा के वालदैन को जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया और उसी सिलसिले में आज की ये कॉन्फ्रेंस इनाकाद किया जा रहा है। इस जामिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 25 तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम है, उनको 3 टाइम का खाना दिया जाता है और कुरान की तालीम के साथ साथ उनको असरी तालीम मिडल तक भी दी जाती है। तो मैं इल्तमास करता हूँ तमाम अहबाब से कि वो अपने बच्चों को इस जामिया के अंदर दाखिल करवाएं ताकि वो आपके लिए सदका जारिया बने। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ तर्जमान मसलक अल हदीस हज़रत मौलाना नसरुल्लाह खान साहब भट्टी साहब को कि वो तुलबा के अंदर असनाद तकसीम करें। तो तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ज़ुबैर, तशरीफ़ लाए और अपनी असनाद हासिल करें हज़रत मौलाना नसरुल्लाह खान साहब भट्टी साहब से। हाफिज़ हुज़ैफ़ा सईद बिन मौलाना सनावला बून साहिब, हाफिज़ मोहम्मद वज़ीर ख़ान बिन मोहम्मद यूसुफ़। अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया से 13 तालिबे इल्म जो है वो फ़ारग हुए हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला शहद बिन अल्ताफ़ हुसैन, अब मैं दरख्वास्त करूँगा फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ असलम हाफिज़ाहुल्लाह ताला से कि वो तलबा को असनाद तकसीम करें। तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद यूनस, हाफ़िज़ अब्दुल्ला समी बिन मोहम्मद अहमद, हाफ़िज मेहर ज़ुहैब हसन बिन अब्दुल रज़ाक, हाफ़िज अब्दुल मनान बिन अब्दुल रज़ाक, अब मैं दरख्वास्त करूँगा तर्जमान मसलक अल हदीस हज़रत मौलाना क़ारी सैफुल्लाह मुल्तानी साहब को कि वह बच्चों के अंदर असनाद तकसीम करें। हाफ़िज़ मोहम्मद असद बिन हाफ़िज़ अब्दुल वहीद, हाफ़िज़ ज़ुहैब अली बिन आबिद अली, हाफ़िज़ रेहान अहमद बिन सनाउल्लाह, अब मैं दरख्वास्त करूँगा मुकर्रदिशान फाजले नौजवान हज़रत मौलाना मुआज़ भट्टी साहब को कि वो बच्चों के अंदर असनाद तकसीम करें। हाफ़िज़ रेहान सलीम बिन सलीम ताहिर, हाफ़िज़ रेहान सलीम बिन सलीम ताहिर, हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान बिन शमशाद दुल्ला, ये थे 13 तालिबे इल्म जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है।
दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको बाअमल बनाए। आमीन। अब मैं दावा देता हूँ मौलाना सनावला बून साहेब को कि शोबा हिफ़्ज़ुल कुरान का इम्तिहान हुआ है, उसके अंदर अव्वल दोयम और सोयम आने वाले बच्चों को में इनामा तकसीम करें। शोबा हिफ़्ज़ुल कुरान के अंदर अव्वल आने वाला बच्चा सलमान बिन अब्दुल रज़ाक। शोबा हिफ़्ज़ुल कुरान के अंदर दोयम पोजीशन लेने वाला बच्चा ज़िशान बिन मौलाना तारक महमूद मदनी साहिब। अब मैं दावा दूंगा हज़रत मौलाना नसरुल्ला शाकर साहिब को कि वो बच्चों के अंदर इनामा तकसीम करें। शोबा हिफ़्ज़ुल कुरान के अंदर सोयम आने वाला बच्चा अब्दुल मुजाहद बिन मोहम्मद अल्ताफ़। इसी तरह शोबा नाजरा कुरान के अंदर अव्वल आने वाला बच्चा रेहान बिन रमज़ान। अब मैं दावा देता हूँ हाफज़ उमर जमान साहिब को सदर अहल हदीस यूथ फोरम सिटी हाफसाबाद और अहमद यकूब जनरल सेक्रेटरी अहल हदीस यूथ फोरम सिटी हाफसाबाद को कि वो आएँ और इनामा तकसीम करें। शोबा नाजुल कुरान के अंदर दोयम पोजीशन लेने वाला बच्चा मोहम्मद बिन राना जाहिद। और सोयम मुसअब बिन उमैर, मुसअब बिन उमैर शोबा नाजुल कुरान के अंदर सोयम आने वाला बच्चा। जज़ाकुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा। हज़रात ग्रामी